सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे आइडियल का नेक्स्ट टॉपिक। जो मैं पहले आइडियल का कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा इस वीडियो में आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट, प्रिंसिपल आइडियल एंड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट। फ्रेंड्स, आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट का क्या डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन सबसे पहले बता रहा हूं, तो आप पहले डेफिनेशन को समझिए। लेट R बी ए रिंग एंड S ये नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। आप कोई भी हम रिंग ले रहे हैं और S जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं रिंग R का, और एक आइडियल है A, R रिंग का एक आइडियल A है, इज सेट टू बी जनरेटेड बाय S। ये आइडियल जो है वो सेट S से जनरेट होगा, या इसको कहेंगे ये आइडियल जनरेट हो रहा है सेट S से, इफ A इज द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ R कंटेनिंग S। अगर ये जो आइडियल A है रिंग R का, वो स्मॉलेस्ट आइडियल होगा S को कंटेन करने वाले। आप इसको एक वेन डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये एक रिंग है, सपोज कीजिए एक रिंग ये है और S जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, रिंग का एक नॉन एम्प्टी सबसेट S है। अब इस S को शामिल करने वाला अगर कोई भी आइडियल मिल जाता है जो स्मॉलेस्ट आइडियल है, A एक आइडियल है, A आइडियल जो है वो S को शामिल कर रहा है और ये स्मॉलेस्ट आइडियल है, इससे कोई छोटा आइडियल नहीं मिल सकता है S को शामिल करने वाला, तो इस आइडियल को कहेंगे आइडियल जनरेटेड बाय सेट S। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, रिंग ए R का एक नॉन एम्प्टी सबसेट S ले रहे हैं और S को शामिल करने वाले ये आइडियल हुआ और ये स्मॉलेस्ट आइडियल है, यानी कि अगर इसके अलावा कोई दूसरा आइडियल है जो S को शामिल करता है तो वो A से बड़ा ही होगा। ये जो A आइडियल है, इस आइडियल से ये वाला आइडियल बड़ा ही होगा और सबसे छोटा आइडियल यही होगा जो S को शामिल करता है, तो इस A आइडियल को कहते हैं आइडियल जनरेटेड बाय S। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अल्टरनेटिवली लिखा हुआ है कि S इज सबसेट ऑफ S, जो होता है वो सबसेट होता है A का, एंड फॉर एनी आइडियल I ऑफ R, कोई भी दूसरा आइडियल I ले रहे हैं रिंग R का, तो S, और ऐसा है कि S जो है वो I के अंदर है, S इज द सबसेट ऑफ I, S जो है वो I के अंदर है, इंप्लाइज अगर कोई दूसरा आइडियल I ले रहे हैं जो S को शामिल कर रहा है तो इसका मतलब A जरूर किस में होगा, A I में होगा, A जो आइडियल है वो I का सबसेट होगा, यानी इससे कोई छोटा आइडियल नहीं मिल सकता है जो S को शामिल कर रहा है। अगर ऐसा आइडियल मिलता है तो देन दिस आइडियल इज कॉल्ड आइडियल जनरेटेड बाय सेट S, S सेट से जनरेट हो रहा है। अगर आइडियल A जो है वो अगर सेट S से जनरेट हो रहा है तो हम लोग लिखते हैं ऐसे, वी राइट A इज इक्वल टू S और ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, कहते हैं कि A आइडियल इज जनरेटेड बाय सेट S, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे भाई, आइडियल जनरेटेड बाय सेट S। तो ये फ्रेंड्स हुआ आइडियल जनरेटेड बाय S सेट। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल का डेफिनेशन देखिए, ये क्या होता है, लेट R बी ए रिंग, कोई भी हम लोग R रिंग ले रहे हैं, एन आइडियल ऑफ R जनरेटेड बाय अ सिंगलटन सेट इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल आइडियल। अगर कोई भी आइडियल है रिंग R का जो जनरेट हो रहा है एक सिंगलटन सेट से, अगर सिंगलटन सेट से जनरेट होता है कोई भी आइडियल तो देन दैट आइडियल इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। मैं भी जस्ट बता चुका हूं आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट, तो आइडियल जनरेट होना चाहिए लेकिन वो सिंगल एलिमेंट के सेट से जनरेट होना चाहिए, तो उस आइडियल को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल। जैसे यहां पर देखिए,
लेट एस, एस एक सेट मान रहे हैं और उसमें मात्र एक एलिमेंट है ए है, ये सिंगलटन सेट हो गया, ए जो रिंग का मेंबर है, और एक आइडियल ए ले रहे हैं, ए बी द आइडियल जनरेटेड बाय एस, ए जो है वो जनरेट हो रहा है इस सेट से और ये सेट में सिंगल एलिमेंट ए है। तो अगर कोई आइडियल सिंगल एलिमेंट के सेट से जनरेट होता है तो इसी आइडियल को कहेंगे वी से दैट द आइडियल ए इज जनरेटेड बाय ए एंड राइट, और लिखते इस तरीके से हैं, ए इज इक्वल टू, ये लिख रहे हैं मतलब ये जो है कैपिटल ए आइडियल जो है वो सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, तो इस तरीके से भी या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दस ए इज द स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग ए, ए एक स्मॉलेस्ट आइडियल हो गया जो ए को कंटेन कर रहा है। इस तरीके से लिखने का मतलब हुआ कि ए आइडियल जनरेट हो रहा है सिंगल एलिमेंट ए से, अरे ए जो आइडियल है वो स्मॉलेस्ट आइडियल है जो ए को शामिल कर रहा है। अगर ऐसा कोई आइडियल मिलता है तो इस आइडियल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल। जरा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए इसको, हम लोग एक रिंग लेते हैं, आप जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... ये एक रिंग होता है। अब हम लोग इस रिंग का एक आइडियल लेते हैं, आइडियल लेते हैं ये, देखिए 4 का मल्टीपल ले रहे हैं, 4 का मल्टीपल तो -8, -4, 0, 4, 8, ... ये एक आइडियल होगा, इस रिंग का ये एक आइडियल होगा। इस आइडियल को हम लोग सपोज करते हैं ए, ये आइडियल ए है और ये 4 का मल्टीपल है। आइडियल क्यों होगा, क्योंकि आइडियल का जो डिफिनेशन है वो उसको सेटिस्फाई करता है कि सबसे पहला कि ये सब ग्रुप होगा, तो सब ग्रुप होगा किसका होगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये सब ग्रुप होगा R प्लस का, तो ये एक सब ग्रुप हो जाता है। दूसरी चीज, दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर हम लोग कोई भी मेंबर ले लेते हैं ए आइडियल का, इस सेट का, और रिंग का कोई भी मेंबर ले लेते हैं, तो ए इंटू आर और आर इंटू ए, ये दोनों ए का ही मेंबर होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये है कि ए प्लस जो है वो सब ग्रुप होगा आर प्लस का। दूसरा कंडीशन है कि अगर कोई भी ए का मेंबर ले लेते हैं स्मॉल ए, रिंग का मेंबर कोई भी आर ले लेते हैं, तो ए आर और आर ए जो है वो ए का मेंबर होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। आप कोई भी मेंबर ले लीजिए, मान लीजिए 8 ही ले लेते हैं हम लोग सेट ए का मेंबर, और इसका कोई भी मेंबर मान लीजिए 2 ले लेते हैं रिंग का मेंबर, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 2 कीजिए या 2 इंटू 8 कीजिए, दोनों 16 होगा, तो 16 भी ए का मेंबर होगा। आप चेक कर सकते हैं 4 के मल्टीपल में ही 16 आएगा। तो ये एक आइडियल हो गया, और ये जो आइडियल है वो 4 से जनरेट हो रहा है, 4 से जनरेट हो रहा है, मतलब 4 यहां पर एक सेट मानते हैं एस जिसमें सिंगल एलिमेंट है 4। अब देख रहे हैं यहां पर ए जो आइडियल है वो आइडियल एस को शामिल कर रहा है, इस सिंगल एलिमेंट को शामिल कर रहा है, और इस एलिमेंट को शामिल करने वाला इससे कोई छोटा आइडियल नहीं होगा, आइडियल मिलेगा 4 को शामिल करने वाला 2 का मल्टीपल में 4 आएगा, तो 2 का भी मल्टीपल आप ले लीजिए, तो -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, ... ये भी एक आइडियल है जो 4 को शामिल कर रहा है, तो 4 को शामिल करने वाला एक आइडियल ये भी हो गया, लेकिन ए जो है वो स्मॉलेस्ट आइडियल है, इससे ये छोटा आइडियल है, ए इज द सबसेट ऑफ आई, तो ए स्मॉलेस्ट आइडियल हो गया इसको शामिल करने वाला, तो इस आइडियल को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल। तो प्रिंसिपल आइडियल क्या हो गया, प्रिंसिपल आइडियल एक ऐसा आइडियल हो गया जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। अगर ये सिंगलटन सेट है, सिंगल एलिमेंट से ये जनरेट हो रहा है, 4 से जनरेट हो रहा है, और 4 से जनरेट होने वाला ये स्मॉलेस्ट आइडियल है, इससे कोई छोटा आइडियल 4 को शामिल करने वाला नहीं मिल रहा है। तो अगर कोई आइडियल जनरेट हो रहा है सिंगलटन सेट से, तो उस आइडियल को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल। अब प्रिंसिपल आइडियल से रिलेटेड थ्योरम हम बता रहे हैं, उसको समझिए। थ्योरम है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिट एलिमेंट। ध्यान दीजिए, आर कोई कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कम्यूटेटिव रिंग और विथ यूनिट एलिमेंट,
और उसका कोई भी एक एलिमेंट ए ले रहे हैं, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए एलिमेंट से जो आइडियल जनरेट होगा, यानी सिंगल एलिमेंट से जो आइडियल जनरेट हो रहा है, यानी ये प्रिंसिपल आइडियल हो गया, तो ये ए से जनरेट होने वाला प्रिंसिपल आइडियल इसी के बराबर होगा। ये कौन सा सेट है? ए आर, जहां पर आर जो है वो रिंग का मेंबर है। मतलब ए में एक रिंग के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जो सेट बनेगा, वो जो सेट आएगा, वही ए से जनरेट होने वाला प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सेट मान लेते हैं ए। ए कौन सा सेट मान रहे हैं? यही वाला ले रहे हैं हम लोग, ए आर, जहां पर आर जो है वो रिंग का मेंबर है। तो ए इंटू आर, इससे जो भी एलिमेंट बनता है, जहां पर रिंग का कोई भी मेंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए में, तो वो जो सेट बनता है उसको हम लोग सपोज कर लिए हैं ए। अब हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे कि ए एक आइडियल है, और फिर बाद में दिखाएंगे कि ये सिंगल एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, यानी ये ए से जनरेट होने वाला प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। तो सबसे पहले आइडियल दिखाते हैं। आइडियल दिखाने के लिए सबसे पहले ये नॉन एम्प्टी सेट दिखाना पड़ेगा कि ये नॉन एम्प्टी है। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले ये कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिट एलिमेंट, तो वन तो रिंग का मेंबर होगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट है, रिंग में यूनिट एलिमेंट है, तो वन तो रिंग का मेंबर है। और यहां पर हम लोग रिंग के मेंबर में मल्टीप्लाई करते हैं ए से, तो वो इस सेट का मेंबर होगा। तो हम लोग रिंग का मेंबर वन लिए हैं और ए को वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये निश्चित रूप से किसका मेंबर होगा? ए का, क्योंकि रिंग के मेंबर में ए से मल्टीप्लाई करने पर वो सेट ए का मेंबर आ गया। तो रिंग का मेंबर वन लिए हैं, वन को ए से मल्टीप्लाई करने पर सेट ए का मेंबर है, यानी ए निश्चित रूप से किसका हो गया? ए का मेंबर। इंप्लाइज ए जो है वो निश्चित रूप से स्मॉल ए कैपिटल ए का मेंबर हो गए, तो ये नॉन एम्प्टी हो गया। एंड ए कंटेंस एलिमेंट ए, ए जो है सेट ए स्मॉल ए को भी कंटेन कर रहा है। तो अब हम लोग दिखाएंगे, पहला तो ये चीज दिखा दिए कि ए जो है वो नॉन एम्प्टी है और ए जो है स्मॉल ए को कंटेन कर रहा है। अब हम लोग दिखाएंगे कि ए आइडियल है, तो आइडियल के लिए दो कंडीशन होता है। हम लोग क्या करते हैं, ए में जो एलिमेंट है वो ए आर के फॉर्म में है, तो इसका कोई भी दो एलिमेंट मान लेते हैं, ए आर वन और ए आर टू, ये कोई भी दो एलिमेंट मान लेते हैं ए का, जहां पर आर वन और आर टू किसका मेंबर होगा? आर वन और आर टू दोनों रिंग का मेंबर होगा। अब हम लोग दिखाएंगे, आइडियल दिखाने के लिए होता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट मान लेते हैं तो उसका डिफरेंस भी ए में होना चाहिए। तो ये डिफरेंस निकालते हैं, ए आर वन माइनस ए आर टू, ए कॉमन ले लीजिए, आर वन माइनस आर टू। अब आर वन और आर टू रिंग का मेंबर है, तो आर वन माइनस आर टू भी रिंग का मेंबर हो गया। तो रिंग के मेंबर में ए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिंग के मेंबर में ए से मल्टीप्लाई करने पर वो सेट ए का मेंबर हो जाता है, तो ये निश्चित रूप से किसका मेंबर हो गया? सेट ए का। क्यों? क्योंकि R1 माइनस R2 जो है वो रिंग का मेंबर है। तो हम लोग दिखा दिए कि दो एलिमेंट लेते हैं A का और दोनों का डिफरेंस भी A का मेंबर है, तो ये सब ग्रुप हो जाएगा, पहला चीज जो है वो सब ग्रुप हो गया। अब दूसरा हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि इसका कोई भी हम लोग एक मेंबर लेते हैं, लेट AR1 कोई भी A का मेंबर लेते हैं और R जो है वो रिंग का मेंबर लेते हैं। अब दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो दिखाना पड़ेगा A का मेंबर। तो AR1 इंटू आर निकालिए, देखिए ए को बाहर कर देते हैं, आर वन इंटू आर को एक साथ रखते हैं। अब देखिए आर जो है वो रिंग है, रिंग है और आर वन किसका मेंबर है? आर वन तो यहाँ पर रिंग का मेंबर हो जाएगा और आर भी रिंग का मेंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी रिंग का मेंबर है, तो ये रिंग का मेंबर हो गया। और रिंग के मेंबर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिंग के मेंबर में ए से मल्टीप्लाई करने पर वो सेट ए का मेंबर होता है, तो ये निश्चित रूप से ए का मेंबर हो गया। क्यों? क्योंकि R1 भी रिंग का मेंबर था, R भी रिंग का मेंबर था, इंप्लाइज R1 into R भी किसका मेंबर हो गया? रिंग का। तो ये रिंग के मेंबर में A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिंग के मेंबर में A से मल्टीप्लाई करने पर वो सेट A का ही मेंबर होता है। अब देखिए R को पहले लिखते हैं और A R1 को बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग R into A को एक ब्रैकेट में रख सकते हैं और R1 को बाद में, ये एसोसिएटिव होता है।
फिर हम लोग कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव रिंग है ये, तो कम्यूटेटिव रिंग है तो आर इंटू ए को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू आर इंटू आर वन। अब फिर ये एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं तो ए इंटू आर इंटू आर वन, और आर इंटू आर वन जो है वो रिंग का मेंबर होगा तो रिंग के मेंबर में ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू आर जो होता है वो किसका मेंबर होता है, सेट ए का, तो ये सेट ए का मेंबर हो गया। तो हम लोग ये दोनों चीज देखें कि एक सेट ए का मेंबर लिया और रिंग का मेंबर लिया तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई जब किए हैं तो वो भी सेट ए का मेंबर आया। आर से हम लोग लेफ्ट साइड में राइट साइड में करें या लेफ्ट साइड में करें तो ये दोनों जो है वो सेट ए का मेंबर आ रहा है, तो इसीलिए ए जो है वो एक आइडियल हो जाएगा। तो हम लोग क्या दिखा दिए कि ए इज एन आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग ए, ए को शामिल करने वाला एक आइडियल आ गया। ये आइडियल तो आ ही गया और यहां पर आप देख रहे हैं कि ए कंटेन्स एन एलिमेंट ए, ए जो है वो ए का सेट ए का मेंबर है, तो एक आइडियल ए मान दिखा दिए कि ए आइडियल है और वो ए एलिमेंट को शामिल कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट आई बी एनी आइडियल कंटेनिंग ए, ए को शामिल करने वाला एक दूसरा आइडियल ए आई मान लिया, वी सेल सो दैट दिखा देंगे, वी सेल सो दैट ए इज द सबसेट ऑफ आई। अगर हम लोग दिखा देते हैं कि ए जो है वो आई का सबसेट है तो ए जो है वो स्मॉलेस्ट आइडियल हो जाए, तो चलिए ये कैसे दिखाते हैं, देखिए ए आई में बिलोंग कर रहा है, माने में आई में आइडियल कंटेनिंग है, तो ए जो है वो आइडियल आई में बिलोंग कर रहा है। इंप्लाइज आइडियल का डेफिनेशन से ए इंटू आर भी आई का मेंबर होगा फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आइडियल का डेफिनेशन होता है कि अगर ए का आइडियल का कोई भी एलिमेंट लेते हैं और रिंग का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट भी आइडियल का ही मेंबर होता है, तो ए आर भी जो है वो आइडियल का मेंबर हो गया। अब जरा यहां पर समझिए, आई में जो एलिमेंट है वो ए आर जरूर बिलोंग करेगा, रिंग का कोई भी मेंबर लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं ए में तो ए आर जरूर आई का मेंबर होगा। और आप देख रहे हैं यहां पर इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, इस सेट में जो भी एलिमेंट है वो ए आर के फॉर्म में है, यानी इस सेट का सारा एलिमेंट जो है ए आर के फॉर्म में है, वो सभी किसका मेंबर है, आई का, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ आई, तो ए आई का सबसेट हो गया। हम लोग दिखा दिए कि ए एक आइडियल है जो स्मॉल ए एलिमेंट को शामिल कर रहा है और ये सबसे छोटा आइडियल है, अगर कोई दूसरा आइडियल मानते भी है तो वो दूसरा आइडियल जो है वो उससे बड़ा ही होता है, तो ये सबसे छोटा आइडियल होगा, स्मॉलेस्ट आइडियल हो गया, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ए इज द प्रिंसिपल आइडियल, ये प्रिंसिपल आइडियल हो गया जनरेटेड बाय, जनरेट किससे हो रहा है, जनरेटेड बाय एलिमेंट ए, एलिमेंट ए से जनरेट होने वाला ये प्रिंसिपल आइडियल हो गया, तो ए से जनरेट होने वाला प्रिंसिपल आइडियल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और वो कौन सा सेट था, ये कौन सा सेट था, ए आर सच दैट आर बिलोंग्स टू आर, तो ये जो सेट बनता है ए से जनरेट होने वाला एक प्रिंसिपल आइडियल बनता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर रिंग कोई कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिट एलिमेंट है तो अगर ए से जनरेट होने वाला प्रिंसिपल आइडियल निकालना है तो वो प्रिंसिपल आइडियल यही होगा, ए आर होगा जहां आर का आर रिंग का मेंबर है, तो ये प्रिंसिपल आइडियल हो गया। अब चलिए देखते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का डेफिनेशन देखिए कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन किसको कहते हैं, एन इंटीग्रल डोमेन आर विथ यूनिट एलिमेंट, आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन है और विथ यूनिट एलिमेंट है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इफ ईच ऑफ इट्स आइडियल इज प्रिंसिपल। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है यूनिट एलिमेंट का और उसका प्रत्येक आइडियल प्रिंसिपल है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल आइडियल रिंग, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन को प्रिंसिपल आइडियल रिंग भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन
जिसका प्रत्येक आइडियल जो है वो प्रिंसिपल यानी प्रत्येक आइडियल जो है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो। अगर प्रत्येक आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है तो उस इंटीग्रल डोमेन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम को बताऊंगा। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको मिलते रहेगा इस चैनल पर। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।